यूपी में भारत बंद के तहत सड़कों पर उतरे दलित। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज दलित और बहुजन समाज और विभिन्न संगठनों की तरफ से भारत बंद का आह्वान किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। राजधानी लखनऊ से लेकर आगरा और गाजीपुर तक हर हिस्से में नीले झंडे के साथ युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। यह वीडियो जो देख रहे हैं, यह वीडियो आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील की है। वीडियो में लोग अपनी मांगों को लेकर रोड पर उतर चुके हैं। देखिए क्या कहते हैं लोग। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, ये तहसील परिसर में ज्ञापन दिया था, उसके बाद थोड़ा सा ये भारत बंद आ जाए। आज का पता है आह्वान पे इसलिए आज के दिन जो भारत बंद का हम लोगों ने समर्थन दिया है और संविधान राष्ट्रपति जी को विज्ञापन दिया है कि जो SC ST OBC ST का जो आरक्षण का बंटवारा है, क्रीमी लेयर का है, इसको पहले की तरह पुनः जो बहाल किया जाए। और हम लोग चाहते हैं कि ये मोदी सरकार इस चीज को संज्ञान में ले और सत्र बुलाकर इसको सदन के माध्यम से पुनः पुराने स्थिति में इसको बहाल किया जाए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम आपका? मेरा नाम शिव प्रकाश है। हम लोग यहाँ जो SC ST का क्रीमी लेयर बनाया गया है उसके हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं और हम लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक नारा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन अगर SC ST का उप वर्गीकरण कर दिया जाएगा तो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का एक नारा अधूरा हो जाएगा, जो उन्होंने कहा था संगठित रहो, तो SC को कहीं ना कहीं तोड़ने का काम किया जाएगा। इसलिए हम लोग पूर्ण समर्थन देने आए थे। हमारी भीम आर्मी और बसपा के भी लोग थे यहाँ। हम लोग पार्टी को ध्यान में रख करके नहीं आए हैं, पूरे ST समाज के लिए हम लोग समर्थन देने के लिए आए हैं और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम समाज के लिए सदैव समर्पित रहेंगे। यही हम लोग अभी आप लोग क्या मानना चाहिए, समाज के हित में जो बात रहे कि शायद प्रशासन समाज से बड़ा नहीं है, देश से बड़ा नहीं है, और अगर नहीं मानेगा समाज, ऐसा नहीं होगा तो हम लोग फिर से जैसा भी आगे का निर्देश रहेगा, माननीय बहन जी चंद्रशेखर भैया जैसा कहेंगे ऐसा हम लोग आगे का कदम उठाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तहसील परिसर में आए हैं, SDM साहब को आपने ज्ञापन दिया है, भारत बंद उसके बारे में बताइए। ये न्यायपालिका द्वारा भारत की तानाशाही सरकार के द्वारा जिस तरह से अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के अंतर्गत मतलब भारत को तोड़ने का काम किया, उसी तरह से जो SC ST OBC उनकी एकता को भंग करने के लिए हमारे यहाँ बहुजन समाज के बीच में दरार पैदा करने के लिए वो कहीं ना कहीं से निजी क्षेत्रों में आरक्षण वैकेंसी के माध्यम से हमारे आरक्षण को खत्म करने का काम कर रही है। और ये 23 अगस्त को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा विधानसभा यूनिट समस्त विधानसभा के द्वारा तहसील परिसर में ये आंदोलन कूच करने के लिए आदेशित किया गया था, जिसके एवज में हम लोग आज 21 अगस्त को तहसील परिषद में हजारों की संख्या में आकर के इस तानाशाही सरकार और माननीय न्यायपालिका का जो कृत है तो कहीं न कहीं से मतलब हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, जिसके लिए हम उपस्थित होकर के हम चाहते हैं कि ये जो मुद्दा है इसको 9वीं सूची में डाल करके हमारे अधिकारों को संरक्षित करने का काम करना। लगभग कितने लोग मौजूद रहे यहाँ? लगभग 2,000-2,500 की संख्या में लोग उपस्थित। जैसे क्या लग रहा है आप लोग इतना ये जो कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या लग रहा है सुप्रीम कोर्ट फैसला बदल देगा? ये हमारा अल्टीमेटम था, कहीं ना कहीं से हमने ये चेतावनी दी, आगाह किया है कि अगर भारत की सरकार और माननीय न्यायपालिका इंटरफियर करके इसमें अगर ये जो इस तरह की स्थिति को अगर हमारे पक्ष में बहाल करने का काम नहीं किया, 9वीं सूची में डाल करके अधिकार सुनिश्चित करने का काम नहीं किया, तो हम आगाह करते हैं भारत की सरकार और माननीय न्यायपालिका को, हम उग्र आंदोलन के लिए अग्रसर होंगे और इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार, भारत सरकार और न्यायपालिका की होगी। लेकिन सरकार, ये प्रशासन तो डायरेक्ट कह रहा है कि जो भी है कि ये जो सब कैटेगरी बन जाएगी जिससे काफी ज्यादा, आप देख लीजिए जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, मैं समझता हूँ कि बाबरी का प्रकरण जब आया था और भी मतलब इस तरह के प्रकरण है, कोई भी किसी के पक्ष में नहीं गया है, वो मनवादी सरकार के पक्ष में गया है, इस बात का मैं खुलासा करना चाहता हूँ। कोई भी मामला जो भारतीय जनता पार्टी चाहिए
कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से जज उसमें नियुक्त होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? आज न्यायपालिका कहीं ना कहीं से मृत्युतुल्य हो गई है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।